नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 जुलाई दिन बुधवार। आगे राजनीति जुड़ी दिनभर की खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। AIMIM के प्रदेश सचिव ने भाजपा पर किया प्रहार। सुशील मोदी ने कहा, इस वजह से विपक्षी एकता की बैठक से नाराज होकर निकले नीतीश। क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम पर सहमत नहीं थे नीतीश? नीतीश कुमार के नाराजगी के चल रहे अटकलों के बाजार पर जदयू ने तोड़ी चुप्पी। टीम इंडिया वर्सेस टीम एनडीए पर राजद और शिवसेना सांसद ने कही ये बात। अब चलिए बढ़ते हैं देश और प्रदेश के राजनीतिक खबरों की ओर विस्तार से। AIMIM के प्रदेश सचिव ने भाजपा पर किया प्रहार। बिहार के दरभंगा में सदस्यता अभियान का आयोजन AIMIM के प्रदेश सचिव मोहम्मद कलाम के नेतृत्व में हुआ। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा देश में नफरत फैलाकर तीसरी बार राज करना चाहती है। उन्होंने कहा कि जो धर्म प्रेम सिखाता हो, न्याय सिखाता हो, जो धर्म इंसानियत सिखाता हो, उस धर्म का बेहतरीन इस्तेमाल करके इन्होंने गद्दी हासिल करने के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अंदर नफरत पैदा कर दी। जिन मंदिरों से न्याय की शंख बजती, जिन मस्जिदों से अमन की आवाज आती, जिन गुरुद्वारों से भाईचारे की आवाज आती, जिन गिरजाघरों से इंसानियत होती, यह इनको लड़ाने का काम किया। सत्ता के लिए इन लोगों ने इंसानियत के खून का प्यासा बना दिया। विपक्षी बैठक में AIMIM को न्योता नहीं मिलने पर पार्टी ने जताई नाराजगी। विपक्षी दलों की बेंगलुरु में हुई बैठक में AIMIM को न्योता नहीं मिलने पर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हम उनके लिए राजनीतिक अछूत है। इस बैठक में ऐसे लोग शामिल हुए जो कभी भाजपा के साथ रह चुके हैं। वहीं बिहार के CM नीतीश कुमार और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती की चर्चा करते हुए कहा कि दोनों ही नेता BJP के समर्थन से बिहार और जम्मू कश्मीर में सरकार चला चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमने अरविंद केजरीवाल को देखा, गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को गाली दे रहे थे, लेकिन वही भी बेंगलुरु में बैठे दिखे। AIMIM 2024 में BJP को हराने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्षी दल असदुद्दीन ओवैसी और हमारी पार्टी को नजरअंदाज कर रहे हैं। नीतीश कुमार के नाराजगी के चल रहे अटकलों के बाजार पर जदयू ने तोड़ी चुप्पी। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने पर और नीतीश कुमार को विपक्षी दलों का संयोजक नहीं बनाए जाने पर नीतीश कुमार नाराज चल रहे। इन्हीं वजह से वे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही लालू तेजस्वी के साथ नीतीश भी पटना के लिए रवाना हो गए। चल रहे इन चर्चाओं के बाद जदयू ने चुप्पी तोड़ी है। जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं। जो व्यक्ति सबको एक साथ लेकर आया है वह कभी नाराज नहीं हो सकता। आगे उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया सभी सहमति से तय हुआ है। वहीं PM मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को एक वीडियो में देखा है जिसमें वे कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। अब मोदी जी इंडिया के लिए वोट मांगे और मैदान छोड़कर चले जाएं। बेंगलुरु में नीतीश कुमार को लेकर लगे पोस्टर पर DK शिवकुमार ने कही ये बात। बीते ही दिनों विपक्षी एकता की बैठक बेंगलुरु में हुई। इस दौरान बेंगलुरु की सड़कों पर कई CM नीतीश कुमार को लेकर कई पोस्टर देखे गए, जहां पोस्टरों में CM नीतीश को अस्थिर प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया गया था। इस पोस्टर को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चा देखी जा रही कि आखिर किसके द्वारा यह पोस्टर लगाया गया। हालांकि इस बात पर भी संभावना जताई गई है कि पोस्टर BJP के द्वारा लगाई जा सकती है। अब इस पोस्टर को लेकर कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार द्वारा भाजपा पर कटाक्ष किया गया है। उन्होंने कहा है कि BJP सोचती है कि वे एक बड़ा खतरा है, कांग्रेस पार्टी सभी ताकतों से लड़ने के लिए तैयार है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमारी कर्नाटक की राजनीति को दूसरों से बेहतर जानते हैं। अपने हनुमान चिराग को गले लगाकर PM मोदी ने दिया ये संदेश। बीते शाम NDA के बैठक के दौरान PM मोदी भी मौजूद थे। यहाँ उन्होंने कई NDA के कई सहयोगी नेताओं से मुलाकात की, जिसमें सबसे खास मुलाकात चिराग पासवान के साथ देखी गई, क्योंकि नरेंद्र मोदी को राम और खुद को हनुमान बताने वाले चिराग ने नरेंद्र मोदी के पांव छुए तो PM मोदी ने चिराग को अपने गले से लगा लिया। इस मुलाकात को देखते हुए यह तो साफ हो गया है कि NDA में चिराग की पार्टी अपनी कितनी अहम भूमिका रखती है। भले ही चाचा भतीजे यानी पशुपति पारस और चिराग के बीच लोक जनशक्ति पार्टी दो गुटों में बढ़ चुकी हो, लेकिन रामलाल पासवान का असली उत्तराधिकारी BJP अभी भी चिराग पासवान को ही मानती है। पप्पू यादव ने CM नीतीश, लालू और कांग्रेस को दिया अल्टीमेटम। इच्छा होने के बावजूद भी अब तक जाप सुप्रीमो पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। इसे लेकर उन्होंने अब नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी एकता की दूसरी बड़ी बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में आयोजित की गई। महागठबंधन शामिल होने को लेकर अब उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि मुझे महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन इस विषय पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला और दूसरे फेज की बैठक में भी उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। इसे लेकर उन्होंने कहा कि अब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है। वहीं आगे उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि अगर अगस्त तक कांग्रेस पार्टी CM नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव उनकी पार्टी को लेकर कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो हमारी पार्टी एकला चलो की राह पर चलेगी।
सुशील मोदी ने कहा इस वजह से विपक्षी एकता की बैठक से नाराज होकर निकले नीतीश। विपक्षी एकता की पहल करने वाले नीतीश कुमार को लेकर मीडिया में खबर देखी जा रही कि बीते दिनों बैठक में उन्हें बड़ा झटका लगा है और इस बैठक के बाद नाराज हुए नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बिना ही वापस पटना आ गए। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि फ्लाइट का टाइम होने के कारण कुछ नेता पहले ही निकल गए, लेकिन एक खबर यह भी सामने आई है कि नीतीश कुमार चार्टर प्लेन से बेंगलुरु गए थे, लिहाजा नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए बिना ही वापस क्यों लौट गए, इसे लेकर उन्होंने किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी है। वहीं सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि बेंगलुरु में सबसे ज्यादा किरकिरी नीतीश कुमार की हुई है, वे फर्जी इंडिया का संयोजक बनने का ख्वाब पाल कर गए थे लेकिन उन्हें कोई भाव नहीं दिया गया। बेंगलुरु में नीतीश विरोधी पोस्टर भी लगाए गए थे जबकि वहां सरकार कांग्रेस की है, तभी नीतीश कुमार नाराज होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। जिस तरह पटना की बैठक से केजरीवाल नाराज होकर निकल गए थे उसी तरह से नीतीश कुमार बेंगलुरु से निकल गए। टीम इंडिया वर्सेज टीम एनडीए पर राजद और शिवसेना सांसद ने कही ये बात। बीते ही दिनों विपक्षी दलों की बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नया नाम इंडिया सामने आया। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार यह गठबंधन कुल 26 दलों का है, यानी आगामी लोकसभा चुनाव में टक्कर एनडीए वर्सेज इंडिया में देखने को मिलेगी। सोशल मीडिया पर यह काफी ट्रेंड भी कर रहा, कई राजनीतिक पार्टी के नेता और आम लोग इसे लेकर अपनी राय दे रहे, जहां राजद ने भी भाजपा पर विपक्षी गठबंधन के नए नाम को लेकर कटाक्ष किया है। राजद द्वारा कहा गया कि अब भाजपा को इंडिया कहने में भी तकलीफ होगी। वहीं शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा कहा गया कि 2024 में लोकसभा चुनाव टीम इंडिया वर्सेस टीम एनडीए होगा। क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम पर सहमत नहीं थे नीतीश? विपक्षी दलों की बैठक में बीजेपी के खिलाफ बन रहे इस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया। बता दें कि नाम को लेकर सभी विपक्षी नेताओं से सुझाव मांगे गए थे। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार विद्युत लाई चिरुथी गल काची प्रमुख थोलथिरु मावल वन द्वारा कहा गया कि गठबंधन का नाम इंडिया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा प्रस्तावित हुआ था। मीडिया द्वारा इस बात की खबर भी सामने आई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखा जाए इस पर नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि इसमें एनडीए अक्षर है। हालांकि जब सभी दलों ने इस पर सहमति जता दी तो नीतीश कुमार ने भी सहमति जताते हुए कहा कि ठीक है, अगर आप सभी इससे सहमत हैं तो यह ठीक है। बृंदा करात ने कहा ईडी और सीबीआई के दबाव से बना है एनडीए। सत्ता में मौजूद एनडीए को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की वरिष्ठ नेता बृंदा करात ने तीखा प्रहार किया है, साथ ही विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया का स्वागत किया है। उन्होंने एनडीए को लेकर कहा कि वह तो ईडी सीबीआई और आईटी के दबाव से बना है। एनडीए की बैठक में शामिल होने वाले आधे से अधिक सहयोगी दल के लोग तो दल बदरू है, उन्होंने तो ईडी सीबीआई और आईटी विभाग का डर दिखाकर बैठक में बुलाया गया है। वहीं पीएम मोदी द्वारा विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया पर किए गए कटाक्ष, जहां पीएम मोदी ने कहा था कि विपक्षी दलों के लिए परिवार पहले आता है और देश बाद में, उनके इस बयान पर बृंदा ने कहा कि पीएम मोदी उल्टी बात कर रहे हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए सत्ता पहले और जनता बाद में का सिद्धांत लागू होता है। वहीं विपक्षी दलों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्षी दल राजनीतिक और सामाजिक स्पेक्ट्रम के साथ सामाजिक आंदोलनों को एकजुट करेंगे और धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के विनाश को रोकेंगे। हेमंत बिस्वा ने इंडिया पर कही ये बात तो कांग्रेस ने किया कटाक्ष। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद अब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने अपने ट्विटर बायो में इंडिया की जगह भारत लिखा है। साथ ही ट्विटर के जरिए कहा है कि हमारी सभ्यता का संघर्ष भारत और इंडिया ने बीच का है। अंग्रेजों ने हमारे देश का नाम इंडिया रखा था, हमें खुद को औपनिवेशक विरासत से मुक्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे पूर्वजों ने भारत के लिए लड़ाई लड़ी, हम भी भारत के लिए काम जारी रखना चाहते हैं। वहीं हेमंत बिस्वा के ट्विटर बायो बदलने को लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया कि वह मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के भी नाम को बदल देंगे। पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना। विपक्षी दलों की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो भी गठबंधन नकारात्मकता के साथ बनी है वह कभी सफल नहीं हो पाएगी। एनडीए का गठन देश में राजनीतिक स्थिरता लाने के लिए हुआ था। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को लेकर कहा कि जब गठबंधन सत्ता की मजबूरी का हो, जब गठबंधन भ्रष्टाचार की नीयत से हो, जब गठबंधन परिवारवाद की नीति पर आधारित हो, जब गठबंधन जातिवाद और क्षेत्रवाद को ध्यान में रखकर किया गया हो, तो ऐसा गठबंधन देश को बहुत नुकसान करता है। उन्होंने कहा कि देश में राजनीतिक गठबंधनों की एक लंबी परंपरा रही है, लेकिन जो भी गठबंधन नकारात्मकता के साथ बने वह कभी सफल नहीं हो पाए। बीजेपी नेता ने कहा विपक्षी गठबंधन इंडिया नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी है जो देश लूटना चाहती है। विपक्षी दलों के नए नाम इंडिया को लेकर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि यह इंडिया नहीं बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी है जो देश को लूटना चाहती है। जिस तरह से अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और देश को लूटा, सभी भ्रष्ट लोगों ने देश को लूटने के लिए एक गठबंधन बनाया है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले स्पेशल 26 नाम से एक फिल्म रिलीज हुई थी, विपक्षी नेता देश में से दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं नीतीश और लालू और तेजस्वी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही पटना लौटने को लेकर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या हुआ जब दुल्हा
शादी से पहले मंडप छोड़कर चला गया। देश की जनता फिर से नरेंद्र मोदी को वोट देगी। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता की मौत के जांच हेतु गठित टीम ने नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। अभी हाल में बीजेपी नेताओं ने पटना में प्रदर्शन किया था, जहां कुछ नियमों का उल्लंघन किए जाने पर पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज किया गया था। प्रदर्शन में शामिल होने आ रहे एक बीजेपी नेता विजय कुमार सिंह की मौत हो गई। बीजेपी का आरोप है कि यह मौत पुलिस के द्वारा की गई लाठीचार्ज के कारण हुई है। हालांकि यह बात भी सामने आई है कि नेता के शरीर पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं है, न ही विजय सिंह लाठीचार्ज वाले घटनास्थल पर मौजूद थे। नेता की मौत को लेकर बीजेपी द्वारा जांच के लिए 4 सदस्यों की बीजेपी समिति का गठन हुआ था। अब यह टीम अपने रिपोर्ट को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पास पहुंच चुकी है। वहीं बीजेपी द्वारा इस बात की मांग भी की जा रही है कि विधानसभा मार्च के दौरान राज्य प्रायोजित और क्रूर पुलिस कार्रवाई की न्यायिक जांच होनी चाहिए और इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। प्रशांत किशोर ने इन छोटे दलों के एनडीए में शामिल होने को लेकर कही ये बात। लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग पासवान ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले, जहां उन्होंने अपनी पार्टी को एनडीए में शामिल कराया। इस पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि ये घटना कोई नई बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान 2014 और 2015 में भाजपा के साथ थे। इन दलों ने साथ मिलकर चुनाव भी लड़ा। सबके पास ये अवसर है कि वो अपने साथ दूसरे दलों को जोड़े और बिहार की राजनीति की ये सच्चाई रही है, ये नई घटना नहीं हो रही। आगे उन्होंने कहा कि अगर जीतन राम मांझी की पार्टी है तो वो ये देख रहे हैं कि हमें एक सीट कहाँ मिल जाएगी। महागठबंधन से मिल जाएगी तो वह महागठबंधन में रहे, भाजपा से मिल जाएगी तो भाजपा में चले जाएंगे। यही हाल उपेंद्र कुशवाहा का भी है, जिसने भी उनको 2 टिकट दे दिया वह उसी साइड चले जाएंगे। लोजपा पार्टी भी 2 धड़ों में है, कौन रहता है क्या होता है ये उनका इंटरनल मैटर है और राजनीति में सामान्य बात है। लोकतंत्र में चुनावी राजनीति में ये सब होते रहते हैं, इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से मैं नहीं लेता हूँ। फिलहाल आज के राजनीति जुड़ी खबरों में इतना ही। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है महेंद्र कुमार, राजकिशोर महतो, अनवर करीम खान, कमलेश कुमार, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद सकीर हुसैन, सत्यक गर्ग, विजेंद्र सिंह। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार विपक्षी दलों का नया नाम इंडिया लोकसभा चुनाव पर कितना असर करेगा? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।